जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उसे पूछा कि तू कहां जाता है। उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने को जाता हूं कि देखूं कि उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है कि दौड़कर इस जवान से कह कि यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर ही बसेगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि देखो उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायु के समान तितर बितर किया है। हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सियोन, बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। क्योंकि देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उनसे लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में पास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग जान लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है।